डीपीओ बक्खर शायस्ता नदीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 3 रोज कबल रजाई शाह में तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 1 खातून और 2 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। डीपीओ ने कहा कि पुलिस ने बर वक्त जाए वकुआवर पहुंचकर शवाहद इकट्ठे किए और मुकदमा दर्ज करके कातल की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दीं, जिसमें पुलिस, थाना सदर, सीआई स्टाफ शामिल था और आखिरकार पुलिस ने असल मुलजम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ने बताया कि मुलजम मोहम्मद आदल मकतूला अजीजा माई का भांजा था और मुलजम का इनके घर आना जाना था और वकुआ के रोज़ वो डकैती की नीयत से आया था और अपनी खाला के गले में दुपट्टा डालकर इसका गला दबाकर इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान घर में मौजूद 7 साल राफिया और 5 साल आबिद को भी मुलजम ने घर से छुरी उठाकर गले काट दिए। 3रे रोज असल मुलजम को गिरफ्तार करके इससे आला कत्ल और घर से चोरी की गई 2,10,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली। डीपीओ ने मजीद बताया कि मुलजम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की बड़ी कामयाबी करार